हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सिमल सिंह और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सिमी सिमो। तो गाइज, आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप अपने घर पे स्किन व्हाइटनिंग और स्किन में ग्लोइंग कैसे पा सकते हैं, अपने चेहरे पे ग्लो कैसे पा सकते हैं। अभी सभी को पता है थर्ड लॉकडाउन फिर से हो चुका है और अभी बहुत कुछ बंद हो चुका है। ओमिक्रॉन फिर से आ गया है, कोरोना का सेकेंड वायरस जो है ओमिक्रॉन आ गया है। इस वजह से अभी पूरा मार्केट बंद हो चुका है, पार्लर वगैरह सब बंद हो चुका है। तो अभी आप घर पे अपने स्किन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और विंटर का भी सीजन चल रहा है, इससे रूखापन हो जाता है आपके स्किन पे, बहुत ही मतलब डल हो जाता है आपका स्किन। तो इस वजह से आप अपने घर को घर में मेंटेन कैसे कर सकते हैं, अपने चेहरे को स्किन को अपने मेंटेन कैसे कर सकते हैं, वो बताने वाली बहुत ही सिंपल रेमेडी है आज का। इसमें आपको कोई भी झंझट नहीं पड़ेगा, बहुत ही सिंपल रेमेडी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और सब्सक्राइब अगर किसी को नहीं आता है तो सिमी सिमू के नाम के बगल में रेड वाला सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक कर दें और सब्सक्राइब के बगल के बेल के आइकन को भी हिट कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। तो चलिए, बातें बहुत हुई, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले आपको कॉफ़ी पाउडर लेनी है। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप 2 रुपये का भी कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं, 2 रुपये का भी पैकेट आता है। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे 2 रुपये वाला जो है उसे ही 2 पैकेट ले ली हूँ। अपने फेस के अकॉर्डिंग आप कॉफ़ी पाउडर ले लीजिए, मेरा इतना 2 पाउच में तो हो जाएगा। आप कॉफ़ी पाउडर से 2 रुपये के भी आप स्किन को वाइटन और ग्लो बना सकते हैं अपनी स्किन को। उसके बाद लेनी है रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। इसमें आपको पका हुआ दूध नहीं ऐड करनी है, आपको रॉ मिल्क ही ऐड करनी है। रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होती है, जिससे कि आपके स्किन को अंदर तक ब्लीच करता है, अंदर तक क्लीन करता है आपके स्किन को, और वो बहुत ही वाइटन टोन लाता है आपकी स्किन पर। तो इस तरह से आपको मेल्ट कर लेनी है अच्छी तरह से पूरी, जब तक आपको तब तक ऐसे घोलते रहना है जबकि ये कॉफ़ी पाउडर जो है दूध में एकदम अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। इस तरह से देखिए, बहुत ही मतलब कॉफ़ी पाउडर जो है स्किन को अंदर तक ग्लो लाता है। स्किन पे आपके कॉफ़ी पाउडर जो है, ऐसे कॉफ़ी पाउडर जो है अपने हेल्थ के लिए भी तो अच्छा रहता है, साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो गाइज देखिए, अब ये पैक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया कॉफ़ी का, कॉफ़ी और मिल्क का। तो अब मैं अपने फेस पे इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो गाइज, अब ये कॉफी का फेस मास्क बनकर बिल्कुल रेडी है, इसमें कोई भी झंझट नहीं लगा। तो अब इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है, बट इसे अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को क्लीन कर लेना है, वो भी फेस वॉश से नहीं। आपको रॉ मिल्क चाहिए, मैं यहाँ पे कच्चा दूध ली हूँ, तो थोड़ा सा बस कच्चा दूध चाहिए। इसे आप अपने स्किन पे लगाना है और इसे अपने स्किन पर ही सुखा देना है। तो मॉइस्चराइजर की तरह, जैसे क्रीम कोई लगाते हैं ना अपने फेस पे, उसी तरह से अपने फेस पे से अप्लाई करना है। रॉ मिल्क स्किन व्हाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। रॉ मिल्क में जो है विटामिन बी पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है रॉ मिल्क में। ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। तो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये रॉ मिल्क में अपने फिंगर की हेल्प से, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि अपने फिंगर की हेल्प से मैं अपने फेस पे रॉ मिल्क को अप्लाई कर ली थी। तो इसी तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बस आपको कोई भी इसमें कोई भी घर नेचुरल कहीं भी रहते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं भी हो। ऐसा नहीं कि इसे ब्रश की सहायता करना, कॉटन अगर अवेलेबल नहीं है घर में तो जरूरी नहीं है, फिंगर से भी कर सकते हैं आप, कहीं भी किसी भी एरिया में है। तो इस तरह से अपने पूरे फेस में पहले अच्छी तरह से लगा लेना है और फिर इसे मिक्स करना है अच्छी तरह से। तो इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बस आपको ऐसे ही थोड़ा सा मसाज कर लेना अपने फेस को। आसानी से अपने फेस पे सूख जाएगा इस तरह से, और ये अंदर तक डीप क्लीन करेगा आपके फेस में, नेचुरल वाइट लाएगा
और बहुत ही चेहरा एकदम निखार ले आ जाएगा ओमिल का। अगर आप तो चाहे तो आप रात में भी इसे लगा करके सो सकते हैं। आप सभी को पता होगा कच्चा दूध स्किन व्हाइटनिंग के लिए कितना ज्यादा फायदा करता है। तो अब देखिए ये आसानी से सूख चुका है, कितना आसानी से ये सूख चुका है आप अपने फेस पे, जैसे क्रीम लगाते हैं ना वैसे ही ये सूख जाता है। बस ऐसे आपको इसी तरह से लगा लेना है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ देती हूँ कि रॉ मिल्क, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी रेमेडी यूज नहीं कर पाते, आप सिर्फ रॉ मिल्क ही यूज करें, मैं 110% गारंटी देती हूँ, क्योंकि इससे आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा निखार आएगा। और अब नेक्स्ट बारी आ जाती है ये कॉफी फेस मास्क का। तो यहाँ पे अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश की हेल्प से आप कॉफी फेस मास्क अप्लाई कर सकते हैं। अगर ब्रश नहीं है तो आप फिंगर्स से भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास ब्रश है तो मैं ब्रश से ही अप्लाई करके दिखा रही हूँ। और रॉ मिल्क अप्लाई करने के बाद आपको फेस धोना नहीं है, इसी पे आप कॉफी फेस मास्क अप्लाई करना है। कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग गुण होते हैं, यह स्किन को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। कॉफी का फेस पैक अपने चेहरे पे अप्लाई करने से ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। कॉफ़ी में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जो आपके डार्क सर्कल्स को भी हटा सकता है, तो ये एक नेचुरल वाइट टोन देता है अपने स्किन को। तो गाइज अब मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ कॉफ़ी फेस मास्क अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। अब इसे 20-25 मिनट्स अपने फेस पे आप रहने देना है ऐसे सूखने के लिए, और इसे नॉर्मल वाटर से सूखने के बाद नॉर्मल वाटर से अच्छी तरह से धो लेना है। तो अब मैं अपने फेस वॉश करके आती हूँ अपना फेस, तो अब फिर दिखाती हूँ। तो गाइज अब मैं अपना फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरा फेस पे कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, मेरा फेस कितना ज़्यादा निखार आ चुका है, और ये बहुत ही स्मूथ भी लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट भी लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कॉफ़ी तो चीज़ ही ऐसा है, निखार तो आना ही है, क्या सही है ना। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आप वीक में 3 times ज़रूर यूज़ करें, और बहुत ही अच्छा रेमेडी है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, आप सभी ने देखा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के बगल के बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।